हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लास। हाउ आर यू बच्चों? आई होप एवरीवन इज फाइन एट योर होम। तो चलो बेटा, आज मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने। आज का जो हमारा टॉपिक है व्याकरण का पार्ट दो वर्ण विचार। इसका हमने अभ्यास कार्य हाफ ही किया था, आधा इसका एक्सरसाइज हमने आधी की थी पहले, आधी जो आज पेंडिंग है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो आप ओपन कीजिए पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 पर आ जाइए, नीचे दिए गए शब्दों के वर्ण अलग अलग करके लिखो, यानी कि वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद का मतलब क्या होता है? शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिखना, और उस शब्द में जो जो भी वर्ण है उसको लिखते जाओ। स्वर जो होते हैं हमारे, वो स्वर जितने भी होते हैं वो तो एज इट इज ऐसे कैसे लिखे जाते हैं, उनके साथ कोई दूसरी मात्रा नहीं होती है। लेकिन जो जो व्यंजन आ जाते हैं वो व्यंजन लिखते जाएंगे और उनके नीचे हलंत लगाते जाएंगे, और साथ में जो है दूसरा उसके साथ जिस स्वर की आवाज आ रही है वो हम लिखते जाएंगे। जैसे चा है तो च के नीचे हलंत लगाया और आ चया चा, रे है रे ए, ठीक है इस तरह से। और जो भी ध्यान रखोगे बेटे, जो भी व्यंजन आधा आ रहा है ना, जो आधा आ रहा है उसके साथ कोई स्वर नहीं लगता, उसको हम आधा ही लिखते हैं। आधा कैसे लिखते हैं? जो भी व्यंजन है वो आधा है उसको पूरा बना के उसके नीचे हम हलंत लगा देते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा, उच्चारण उच्चारण उ ऐसे कैसे आ जाए, क्योंकि स्वर है इसके साथ कोई मात्रा नहीं है उ। फिर चय हमारा आधा है तो चय के नीचे हलंत लगाया, छोड़ दे, इसके साथ कोई स्वर नहीं है। जब आधा व्यंजन के साथ कोई स्वर नहीं है तो चय आ चय आ रे ए ने उच्चारण। ठीक है, उसके बाद हमारा आ रहा है पारिवारिक, पा पे आ पा रे ई, क्योंकि छोटी की मात्रा है इसलिए हमने छोटी ई लगाई, री व आ पा री वा रे ई री कह ए के पारिवारिक। ठीक है, उसके बाद हमारा आ रहा है अन्याय, ए आधा ने ये आ ये ए अन्याय। स्वागत, अब देखो स्वागत में से आधा है तो हम इसको क्या करेंगे, से लिख के और इसके नीचे हलंत लगा के छोड़ देंगे। अब इसके साथ दूसरा कोई स्वर नहीं लग रहा है, इसके साथ कोई स्वर नहीं लगेगा। ठीक है, स्व हा गे ए ते ए। ठीक है बेटा, आशीर्वाद, आ शे ई रे आ शे ई रे शीर, क्योंकि ये वाला जो रे लगा है ऊपर जिस भी वर्ण पे लगा होता है वो उससे पहले जाके रे बोला जाता है। ठीक है, तो हमने शी के बाद वो रे लगाया, आ शीर व आ दे। ठीक है, उसके बाद देवालय, दे ए क्योंकि ए की मात्रा लगी है, व आ ले ए ये ए। उसके बाद आक्रमण, आ स्वर है ऐसे कैसे लिखे जाएगा। ठीक है, आ फिर क्रे के रे ए तब जाके क्रे बना है, क्रे मैं ने आक्रमण। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे वर्ण विच्छेद। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब हमारा दूसरा है इन वर्णों से बनने वाले शब्द लिखो। अब यहाँ पर वर्ण विच्छेद जो है दिए हुए हैं, वर्णों को अलग अलग करके दिया हुआ है तो उनको जोड़ के शब्द बनाना है। ठीक है, तो वो कैसे बनेगा बेटा देखो, फर्स्ट में हमारा लिखा हुआ है भय आ। ठीक है, भारतीय भारतीय। सेकंड देखो प ए रे ई श्र मै ए, अब देखो इसे प ए दिया हुआ है तो क्या बन गया हमारा प। ठीक है, फिर रे ई दिया हुआ है तो री। ठीक है, फिर श्र ए दिया हुआ है तो श्र, और मै ए दिया हुआ है तो मैं, यानी कि देखो मै ए मैं प्लस ए तभी तो क्या बना हमारा मैं। तो मतलब जिन भी व्यंजन के पीछे जिस भी स्वर की आवाज आती है उसमें वो लगाते चले जाएंगे। ठीक है, परिश्रम, फिर हमारा व ई क्या आ गया वी, दे ये दे। ठीक है, ये आ ले ए ये ए विद्यालय।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा मैं ए, मैं पे की यार मात्रा लगा दी है ए, ने ए, ते ए, ठीक है, मेहनत, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा से ए चे चे आई, से ए, फिर चे, चे आधा आ जाएगा, फिर चे आ ई, सच्चाई। उसके बाद हमारा है ई में आ ने ई, ठीक है, मा ने दे आ रे ई, ईमानदारी, ठीक है बेटा। तो ये थे हमारे जो हमने किए थे पहले, हमारे वो थे शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिखना। अब हमने किए अलग अलग हमारे दिए हुए थे उनको शब्द बनाना, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा बहुविकल्पी प्रश्न, इसमें क्या आ रहा है हमारे में कि वर्ण के नीचे दिए गए शब्दों के सही हमें ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें सही उत्तर पर टिक लगाना है। तो वर्ण के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है, क्या कहलाती है भाषा की सबसे छोटी इकाई, वर्ण। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत किसके भेद होते हैं, ये तीनों स्वर के भेद होते हैं। कहते हैं स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वर के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है, स्वर के भेद है। पेज नंबर 21 पर आ जाओ। दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, क्या बनते हैं, संयुक्त व्यंजन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, संयुक्त व्यंजन हमारे चार होते हैं, क्षय क्षत्रिय त्रय त्रिशूल गय ज्ञानी और श्वय श्रमिक। तो ये चार हमारे, इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, तो इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। अनुस्वार का उदाहरण है चांदी, हंस, सांप, हंस। तो इसमें जो फर्स्ट हमारा कह दिया हुआ है, जिस पर अनुस्वार लगा हुआ है, सिर्फ ये बिंदु लगा हुआ है, वो होता है हमारा अनुस्वार। हलंत का चिन्ह, हलंत बेटा देखो, जो कि हम देखो किसी भी वर्ण पे, जैसे हमने कह के नीचे ये लगा दिया ऐसे, तो हम इसको क्या कहते हैं, हलंत। इसको हम क्या कहते हैं, हलंत। तो हलंत का चिन्ह हमारा कौन सा होता है, जो गय वाला है वो होता है, ठीक है। स्वर समूह है, स्वर समूह है ए आ ई, जे ले ते, ए पे मे, खे गे मे। तो स्वर कौन से हमारे, ऐसे औतक जो होते हैं वो स्वर है, उन बीच जो भी वर्ण आ रहे हैं वो स्वर है, तो ए आ ई। दीर्घ स्वर को बोलते समय ह्रस्व स्वर से समय लगता है कम, दोगुना, तिगुना या चौगुना। दीर्घ स्वर को बोलते समय ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, ठीक है। उसके बाद हमारा है ये रे ले वे व्यंजन कहलाते हैं, उष्म, अंतस्थ, संयुक्त या स्पर्श। तो ये रे ले वे हमारे अंतस्थ व्यंजन है। व्यंजन के उच्चारण में सहायता लेनी पड़ती है, किसकी लेनी पड़ती है, हम बार बार पढ़ रहे हैं, व्यंजन के उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, ओके। नेक्स्ट देखो बेटा वही है, दिए गए शब्द के सही वर्ण विच्छेद विकल्प पर टिक लगाइए। वर्ण विच्छेद, यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं और उसके वर्ण विच्छेद कर करके हमें चार ऑप्शन दिए हैं, तो उनमें से कौन सा विच्छेद सही है हमें वो उस पर टिक करना है। तो भारत भ आ रे ए ते ए, फर्स्ट वाला हमारा सही है। व्याकरण में हम देखो, लास्ट में देखो वे के नीचे हलंत आधा वे हो गया, ये आ के ए रे ए ण ए, तो इसमें हमारा घे वाला सही है, ठीक है। स्वर में फर्स्ट देखो से नीचे हलंत, वे के नीचे हलंत, ए रे ए स्वर। उसके बाद श्रमिक, खे देखो श्रे ए मे ई के ए, और उसके बाद अत्यधिक, लास्ट में देखो घे ए ते ये ए धे ई के। आई होप ये मैंने बेटा बोर्ड पर अभी एक बार इसलिए लिख रहा है कि मैंने बार बार ये भी पहले करा दिए, ये भी करा दिए, तो शायद सभी को अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो कोशिश करो सेकंड वाले को मैंने ऑरल इसलिए कराया कि एक बार आप इनको खुद करने की कोशिश करना, ठीक है बेटा। जहां फिर भी कहीं कोई डाउट रहता है तो वो मुझसे क्लियर कर लेना, ओके बेटा। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।